नाइटफॉल ज़्यादा हो रहा है, एक चीज़ खा लो सारा सॉल्यूशन मिलेगा और वो है लहसुन, गार्लिक। गार्लिक के बेनिफिट्स नाइटफॉल के पेशेंट्स के लिए जिन्हें हो रहा है उनके लिए बहुत फ़ायदा देता है। और वैसे भी लहसुन हम बोलते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए इसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने डिटेल में ये वीडियो बनाया था और आप सबको बहुत पसंद आया, लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। अब मैं बात करूंगी जिन्हें नाइटफॉल बार बार हो रहा है, स्पेशली जब हम नाइटफॉल के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे कंसिडर नहीं करते या फिर उसे प्रॉब्लम नहीं बोलते, बट जिन्हें हो रहा है उन्हें समझ में आता है कि कितनी वीकनेस आ जाती है बॉडी में और बॉडी रिकवर भी नहीं कर पाती। तो कैसे लहसुन को अपनी डेली डाइट में लेना है, कितना खाना है, कैसे उसे डाइट में लेना है, मैं पूरा बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नाइटफॉल नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो उम्र में कभी भी होता है, नहीं हो रहा लेकिन अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए ये वीडियो को पूरा अंत तक सुनें। चलिए हम बात कर रहे थे गार्लिक के बेनिफिट्स के बारे में, जो कि नाइटफॉल जिसे हम नॉक्चुरल एमिशन या वेट ड्रीम्स बोलते हैं, जो यंगस्टर्स लड़कों को जिन्हें बहुत रिसेंटली प्यूबर्टी हिट करती है उनके लिए बहुत कॉमन है, या फिर वो जो बहुत ज़्यादा हैवी ऑयली खाना खाते हैं या जिनके सेक्सुअल थॉट ज़्यादा हैं, लेकिन ये एम्बैरेसमेंट का इशू है। अगर नाइटफॉल होता है आप बहुत एम्बैरेस फील करते हो, आप बुरा फील करते हो कि क्यों हुआ, और फिर वीकनेस डेफिनेटली आपको आने लग जाती है। गार्लिक के काफी सारे बेनिफिट्स हैं ताकि नेचुरली हम इसे रिकवर कर पाए बिना मेडिकेशन के। सबसे पहले ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल है, तो गार्लिक में अगर आप आपकी बॉडी में आप कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी इन्फेक्शन है, तो गार्लिक उसे हेल्प करेगा ठीक करने में। गार्लिक आपके ओवरऑल ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, इसलिए अगर आपको इरेक्शन का प्रॉब्लम है उसे बेटर करेगा। गार्लिक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्लस आपके माइंड में कामनेस क्रिएट करता है, एंजाइटी को कम करता है। नाइटफॉल तब होता है जब हम ओवरऑल डाइट को पचा नहीं पाते, तो गार्लिक एक तो आपका डाइजेशन बेटर करेगा, बॉडी में इन्फेक्शन को कम करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। तो ऐसे में आपके नाइटफॉल होने की समस्या, ब्लड फ्लो बेटर रहेगा, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो जो वो नाइटफॉल होने की समस्या है उसको काफी हद तक क्योर करता है। कैसे गार्लिक को ले सकते हैं, पहले नंबर पे हम बात करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है इसे कच्चा खाएं। रोज सुबह उठ के गार्लिक को पानी के साथ आप ले सकते हैं। पहले आप सिर्फ एक लीफ के साथ स्टार्ट करें और फिर आप चाहें तो दो या चार टुकड़ी के साथ शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप गार्लिक की चाय भी बना सकते हैं, गर्म पानी में थोड़ा सा गार्लिक डालें और फिर आप जैसे भी चाय बना रहे हैं उसे आप ले सकते हैं। साथ साथ गार्लिक के सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं जिसके अंदर गार्लिक होता है किसी कैप्सूल के फॉर्म में, तो आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत आसान तरीका है, हम सब खाते हैं अपने घर में जो भी सब्जियां बन रही हैं उसके अंदर हम गार्लिक का पेस्ट, लहसुन डेफिनेटली ऐड करते हैं। इसके अलावा जब हम नाइटफॉल की बात करते हैं तो हमें ओवरऑल अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छे से स्लीप लें, ज्यादा स्ट्रेस से दूर रहें, अपनी डाइट का ध्यान रखें जिसमें हमें गार्लिक डालना है, और पानी हाइड्रेशन का ध्यान रखें, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जब आप स्ट्रेस और सेक्सुअल थॉट को ज़्यादा सोचते हो तो ये होता है, सो रिलैक्स रहें। गार्लिक के बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन नाइटफॉल ऐसी समस्या है जो कि एक्चुअली आपके ओवरऑल हेल्थ से करेक्ट हो जाएगी। ज़्यादा नाइटफॉल हो रहा है तो वीकनेस आ रही है, तो गार्लिक को इंक्लूड करें, साथ साथ कोई मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आप ऐड कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें, गार्लिक नहीं है तो अपनी किचन में इंक्लूड करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।